हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में आज एक टॉपिक लेकर आया हूं जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज जिस योजना के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हां दोस्तों, एक बड़े मिशन को लेकर सरकार इसमें कार्य कर रही है और इसकी शुरुआत की है और उस लक्ष्य का नाम है, उस मिशन का नाम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। एक बड़े मिशन के साथ सभी लोगों के लिए घर हो 2022 तक, ऐसी योजना के साथ सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 16 जून 2015 को किए हैं और ये जो है 7 सालों में 2015 से 2022 जब हम अपनी स्वतंत्रता की जो प्लेटिनम जुबली मनाएंगे उस उपलक्ष्य पर एक बड़े लक्ष्य के साथ इस 2022 को एक विशेष लक्ष्य के साथ हाउसिंग फॉर ऑल के मिशन के साथ आप गवर्नमेंट है इस योजना के लिए हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 और मिशन पीरियड है 2015 से 2022 और इस योजना का लक्ष्य है कि हमारे देश के 75वीं वर्षगांठ मतलब प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में इस लक्ष्य को पूरा करना है सन 2022 में कि द हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम इज इनविजन्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बाय द टाइम ऑफ नेशन कंप्लीट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रधानमंत्री आवास योजना विल ब्रिंग ए पक्का हाउस फॉर एवरी फैमिली इन अर्बन सिटीज विथ वाटर कनेक्शन, टॉयलेट फैसिलिटी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड कंप्लीट एसेस। जी हाँ, 2022 तक जब हम प्लेटिनम जुबली मनाएंगे उस समय अर्बन सिटीज में सभी लोगों के लिए पक्का हाउस प्रदाय करना इस योजना का एक महान लक्ष्य है। जी हाँ दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात है इस योजना के बारे में कि लगभग 2 करोड़ हाउस जो है इस योजना के तहत बनाए जाएंगे पूरे देश में, तो 2 करोड़ हाउसेज टू बी बिल्ड अक्रॉस द नेशन। और टारगेट किसे किया गया है, जो लोअर इनकम ग्रुप हैं, LIG हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं और सोसाइटी में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए, साथ ही साथ मध्यम आय वाले लोगों के लिए भी ये योजना जो है लागू की गई है। टारगेटिंग द लोअर इनकम ग्रुप एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, बेसिकली द अर्बन पुअर ऑफ नेशन बाई ईयर 2022। जी हाँ दोस्तों, 2022 तक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को और जो अर्बन सिटीज़ में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को, चाहे वो LIG हो, लोअर इनकम ग्रुप हो, उनको जो है पक्का हाउस प्रदाय करना इस योजना के जो है टारगेट है, लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए है 2015 से 2017 तक 100 सिटीज़ को टारगेट किए गए और 2017 से 2019 तक 200 सिटी को टारगेट किए गए हैं और ऐसे कुल मिला के शेष बचे जो 200 सिटीज़ हैं उनको 2019 से 2022 तक उसको लक्ष्य पूरा करने के लिए जो है क्रियान्वित किए गए हैं। 2017 में बड़े बदलाव किए गए हैं इस योजना में, 2017 में इस योजना में बदलाव किए गए, इसमें 2 ग्रुप और शामिल किए गए जिसको MIG 1, MIG 2 बोलते हैं, मीडियम इनकम ग्रुप 1 और मीडियम इनकम ग्रुप 2 को भी शामिल किया गया है। तो आइए इसमें समझते हैं बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं। ए बेनिफिशियरी फैमिली विज कंप्राइज हस्बैंड, वाइफ एंड अनमेरिड चिल्ड्रन। इसमें जो बेनिफिशियरी फैमिली की बात आएगी इसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया गया है। द बेनिफिशियरी फैमिली शुड नॉट ओन ए पक्का हाउस, लेकिन बेनिफिशियरी फैमिली के पास उनका खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए और उनकी एज क्राइटेरिया है 21 से लेकर 55 ईयर्स होने चाहिए। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है और लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो भी मकान बनाए जाएंगे उसमें महिला का नाम ज़रूर होना चाहिए, महिला उसमें उनके नाम पे जो है मकान होना चाहिए महिला के नाम से। लेकिन जो मीडियम इनकम ग्रुप है, जो मीडियम इनकम ग्रुप 1 और मीडियम इनकम ग्रुप 2 है, MIG 1, MIG 2 है, उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो महिला के नाम से हो। अगर वो घर महिला के नाम पे नहीं भी होगा तो भी उसमें वित्तीय सहायता उनको मिल जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को 4 ग्रुप में बांटा गया है। आइए विस्तार से इसको समझते हैं कि जो एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी है जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, तो ये 4 तरह के ग्रुप में बांटा गया है। आइए इनको इनकम ग्रुप के हिसाब से समझते हैं। पहला ग्रुप है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए क्राइटेरिया है, इनको जो लाभ मिलेगा इस योजना का, इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो फैमिली है जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं उनका इनकम जो है up to 3 lakhs होना चाहिए और वो जो मकान बनाएंगे उसका कारपेट एरिया 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो इनमें जो सब्सिडी होता है, मैक्सिमम सब्सिडी जो लोन दिए जाएंगे, वित्तीय सहायता दिए जाएंगे, वो कम से कम 6 लाख होने चाहिए और जो सब्सिडी मैक्सिमम होगी वो 2.67 lakhs होगी और ये जो ऋण दिया जाएगा वो मैक्सिमम टेन्योर उसका 20 वर्ष होगा। 20 साल के लिए जो मैक्सिमम टेन्योर होगा उसमें, अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जहाँ पर वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की परिभाषा है कि उनके फैमिली की आय जो है 3 लाख से कम हो।
फिर दूसरा ग्रुप आता है लोअर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप जिनका फैमिली इनकम जो है 3 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 6 लाख के अंदर हो, उनको लोअर इनकम ग्रुप कहते हैं। और ऐसे लोग इसका लाभ ले सकते हैं इस योजना का, जो 60 स्क्वायर मीटर में घर बना रहे हों और 20 साल के लिए लिए गए लोन में इनको भी 2,67,000 की सब्सिडी दी जा सकती है। आइए अगर तीसरे ग्रुप की बात करें तो उसको MIG 1 बोलते हैं, जिनकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा हो और 12 लाख तक हो, और अगर वो घर बना रहे हैं और उनके घर का जो कारपेट एरिया है वो 160 स्क्वायर मीटर हो, तो उनको भी ये सब्सिडी मिल जाएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी है 2.35 लाख का। और एक है क्राइटेरिया है MIG 2, जिनके लिए इनकम क्राइटेरिया है 12 लाख से ज़्यादा उनके फैमिली इनकम हो और 18 लाख तक हो, और उनका जो घर बना रहे हैं जिसके लिए वो लोन ले रहे हैं उनका कारपेट एरिया जो है अप टू 200 स्क्वायर मीटर है, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा, जिसमें इनको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें ये इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलेगी मैक्सिमम 2.30 लाख मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आइए इस चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 4 ग्रुप में वित्तीय सहायता दी जा रही है और उसमें क्रेडिटिंग इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है, तो उसका निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। उसको 4 सेक्शन में बांटा गया है। यहाँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, LIG है, MIG 1 है, MIG 2 है। अगर उनका हाउस होल्ड इनकम देख लिया जाए तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अप टू उनका इनकम 3 लाख होना चाहिए और LIG का 3 लाख टू 6 लाख होना चाहिए, MIG 1 का 6 लाख टू 12 लाख होना चाहिए और MIG 2 का 12 लाख टू 18 लाख होना चाहिए। अगर वहाँ पर कारपेट एरिया की बात करें तो EWS में 30 स्क्वायर मीटर और LIG में 60 स्क्वायर मीटर, MIG 1 में 160 स्क्वायर मीटर और MIG 2 में 200 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की जाए तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी इंटरेस्ट सब्सिडी 6.5% का है और LIG में भी इंटरेस्ट सब्सिडी 6.5% का है और MIG 1 में इंटरेस्ट सब्सिडी 4% है, MIG 2 में इंटरेस्ट सब्सिडी 3% है, जो एक बहुत अच्छी इंटरेस्ट सब्सिडी है और इसका लाभ जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए ऋण हितग्राहियों को मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर लोन लिमिट की बात करें तो EWS के लिए भी मिनिमम 6 लाख लोन होना चाहिए और LIG के लिए भी मिनिमम 6 लाख लोन होना चाहिए, MIG 1 के लिए मिनिमम लोन 9 लाख होना चाहिए और MIG 2 के लिए मिनिमम लोन 12 लाख होना चाहिए। ज़्यादा हो सकता है लेकिन सब्सिडी जो है उन्हीं लोन पर, लोन लिमिट पर मिलेगा और परसेंटेज भी उन्हीं आधार पर होगा। जी हाँ, आगे बात करते हैं इनमें टेन्योर की। अगर लोन रिपेमेंट पीरियड की बात करें तो ये 20 ईयर्स का लोन रिपेमेंट पीरियड होगा, सभी ग्रुप्स के लिए 20 ईयर्स मैक्सिमम लोन रिपेमेंट होगा, तभी ये सब्सिडी मिलेगी। और अगर बात करें हम मैक्सिमम सब्सिडी की तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मैक्सिमम 2.67 लाख और LIG के लिए 2.67 लाख और MIG 1 के लिए 2.35 लाख और MIG 2 के लिए 2.30 लाख की सब्सिडी मैक्सिमम दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से ये 4 ग्रुप में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ऋण दिए जाते हैं इनको समझ में आया गया होगा कि इस योजना के जो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। एक और खास बात कि जनवरी 2017 से MIG 1 MIG 2 को शामिल किया गया था, उस 2015 से 2017 तक यह सुविधा केवल EWS और LIG के लिए था, लेकिन 1 जनवरी 2017 के बाद ये जो फैसिलिटी है वो तो MIG 1 और MIG 2 के हितग्राहियों को भी दिया जाने लगा और जिसकी समय सीमा जो है 31 मार्च 2020 तक थी, यह सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया। तो ये सुनहरा मौका है MIG 1 MIG 2 के लिए कि उनको ये इंटरेस्ट सब्सिडी जो स्कीम में अवेलेबल होगा MIG 1 MIG 2 के लिए 31 मार्च 2021 तक और जो EWS और LIG के लिए स्कीम जो है 31 मार्च 2022 तक अवेलेबल है। जी हाँ साथियों, ये महत्वपूर्ण बात है। अभी हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इसमें ज़्यादातर जो मुख्य सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आपके प्रमोशन एग्जाम में, वो होता है कि मैक्सिमम टेन्योर पीरियड कितना होता है, 20 लाख। कारपेट एरिया के बारे में सवाल पूछ जाते हैं, MIG 1 MIG 2 का कारपेट एरिया कितना है, तो MIG 1 का 160 स्क्वायर मीटर, MIG 2 का 200 स्क्वायर मीटर। फिर पूछा जाता है सब्सिडी परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और इसका अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कौन सा टॉपिक रह गया है। आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना जल्दी इस चैनल पर वीडियो आएगा नेक्स्ट टॉपिक पर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो के साथ आपके बीच आता रहता हूँ। आपकी सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।